28 जनवरी को नीतीश कुमार ने सुबह महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और शाम को दोबारा एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली और इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया। पिछले कुछ दिनों से बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी नीतीश कुमार को लेकर अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लौट आए। वैसे ये पहली बार तो है नहीं कि जब नीतीश कुमार ने किसी पार्टी का साथ छोड़ा हो और फिर किसी और का दामन थामा हो, क्योंकि इससे पहले ये अब तक 5 बार गठबंधन बदल चुके हैं और 9वीं बार सीएम बन चुके हैं। साल 2022 में बीजेपी से राहें जुदा करने वाले नीतीश आखिर क्यों फिर 2024 में एनडीए में शामिल हुए, ये एक अहम सवाल है। खास बात यह है कि जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने बीजेपी पर उनकी पार्टी जेडीयू को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने पाला बदल कर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 महीने बाद ही नीतीश ने कहा था कि राजद के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव 2025 में महागठबंधन के विधानसभा चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता क्यों तोड़ा, इस बारे में इन्होंने खुद मीडिया के सामने बताया है। इन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। सब लोगों की बात को सुन लिया तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। तो भाई सुना आप सभी ने इन्होंने क्या कुछ कहा, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडी टाइम्स।